हेलो माय नेम श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग सो आज मैं कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ लेट्स रीड द कमेंट फर्स्ट सो कौर कमेंट पूछा है कौरवनाथ ने जिन्होंने पूछा है सर मेक वीडियो ऑन हाउ वी जॉइन एज असिस्टेंट राइटर टू राइटर ये सवाल मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है बहुत सारे मैसेज मैंने सेव भी किए थे जिसमें सब लोगों ने असिस्टेंट राइटर के बारे में पूछा था जब मैं एक बार लिस्ट देखता रहता तो कॉमेंट ही क्या गया कॉमेंट पूछे Uh, मैंने सोचा था कि वीडियो बनाऊंगा जिसमें सबके नाम लूँगा बताऊँगा किस किस ने सवाल पूछा सबके जवाब सवालों के जवाब दूंगा हाँ पता नहीं मैंने शायद वीडियो बनाया है, नहीं बनाया आई डोट नो डेजा वो भी हो सकता है कि शायद बनाया हो ना बनाए आई डोंट नो द थिंग इज़ मैं बताता हूँ कि पहली बात तो ये कि राइटर का कोई असिस्टेंट नहीं होता है जैसे मिथ्या है और ये सिर्फ चैनल्स में होता है ये चैनल्स कहाँ होते हैं ये जैसे बालाजी है या ऑप्टोमिस्टिक्स है जो टी के चैनल्स हैं वहाँ पर राइटर असिस्टेंट होते हैं फिल्मों में राइटर असिस्टेंट नहीं होते हैं तो आपका राइटर असिस्टेंट बनना है तो आप डायरेक्टली जाके टीवी के जो चैनल्स हैं उस पर जाके अप्लाई करिए तो आप राइटर असिस्टेंट बन जाएंगे नॉर्मली जो फिल्म के राइटर्स होते हैं वो कोई असिस्टेंट नहीं रखते हैं क्यों रखेंगे भाई पैसा ही इतना कम मिलता है और उनको तो तो जरूरत ही नहीं है और कैसे क्रेडिट कैसे बांटोगे उन सब चीज़ों में तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से राइटर्स uh, जो है असिस्टेंट नहीं रखते हैं नॉर्मली तो राइटर असिस्टेंट बनने का सोचे भी मत बेसिकली मुझे पता है कि आप लोग राइटर असिस्टेंट क्यों बनना चाहते हैं क्योंकि आप राइटिंग सीखना चाहते हैं और आपको लगता है कोई आपको अपना राइटर असिस्टेंट रख के आपको राइटिंग सिखाएगा पर उस चीज़ को मोस्टली मुंबई में गोस्ट राइटिंग कहते हैं जिसमें आपसे स्क्रिप्ट लिखवाई जाती है और आपसे काम कराया जाता है जो, और उसके बाद जो मेन राइटर होता है वो उसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से उसको और बेटर करके फिर उसको बेच देता है और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाता है आपको क्या मिलता है इसमें आपको एक छोटा बहुत पैसा मिल जाता है नाम तो नहीं मिलता है पर छोटा मोटा पैसा मिल जाता है और एक बड़े लेखक के साथ जुड़ने का मौका मिलता है जो आपको दस लोगों से कनेक्ट करा सकता है बस इतना ही होता है बाकी किसी फिल्म राइटर के असिस्टेंट नहीं होते हैं होते हैं कुछ लोग रखते हैं जैसे मैं जानता हूँ अब खैर नाम नहीं लूँगा मैं उनके मैं उनको जानता हूँ जो क्या कहते हैं ये ड्राफ्टिंग लिखवाते हैं जो कि सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है राइटिंग में सबसे डिफिकल्ट काम क्या होता है ब्लैंक पेज पर कुछ लिखना कि आपका स्ट्रक्चर नहीं है आप उसको डेवलप कैसे करोगे तो ये जो राइटर के असिस्टेंट होते हैं ये बेसिकली स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं तो ये डेवलप करके एक यू नो फाउंडेशन दे देते हैं मेन राइटर को वो उसमें अपने आप अप चीज़ें ऐड करना शुरू कर देता है या फिर कुछ रिसर्च करनी है तो रिसर्च के लिए किसी लोन को रख लीजिए तुम दो पर अगेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्यों राइटर्स राइटर असिस्टेंट नहीं रखते हैं उसके पीछे ये है वो है कॉपीराइट uh, राइट का प्रॉब्लम कि कल को कॉपीराइट राइट का इशू हो जाए कुछ आइडिया उसने दिया कुछ आइडिया तुमने दिया और तुमने अपना नाम दिया पिक्चर में तो वो कल को तुम पे केस कर दे तो ये केस का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के इशूज़ हैं जिसकी वजह से राइटर्स कोई भी असिस्टेंट नहीं रखते हैं चैनल्स में क्या होता है वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट में होते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में आप जाकर डिस्प्यूट कर नहीं सकते आपका नाम आएगा असिस्टेंट राइटर में आएगा या फिर एसोसिएट राइटर में आएगा या मेन राइटर में आएगा तो वहाँ पे जो मेन राइटर होता है वो बेसिकली सुपरवाइज़ करता है राइटिंग में जैसे राज शांडिल कॉमेडी नाइट्स में काम करते थे तो ऐसा नहीं था कि सारे जोक्स वही लिखते थे उनके अंडर में बहुत सारे लोग काम करते थे जो जोक्स लिखते थे उनसे अप्रूव कराते थे ऐसा भी नहीं था कि वो कुछ नहीं लिखते थे जो मेन सेलिब्रिटीज़ होते हैं उनका कंटेंट वही लिखते थे जैसे कपिल शर्मा हो गया कृष्णा अर्जुन हो गया तो उसका कंटेंट राजडिल लिखते थे और बाकी जो छोटे मोटे एक्टर्स थे उनका कंटेंट बाकी एक्टर्स लिखते थे चूँकि इतने लोगों की स्क्रिप्ट लिखना पॉसिबल नहीं है एक आदमी के लिए तो इसलिए बाकी लोग रखे जाते हैं इनका नाम असिस्टेंट में आता है पर हमेशा एक सुपरवाइज़ करने वाला राइटर होता है जिसका नाम जो मेन राइटर में उसका नाम आता है सो तो अगर आप आ, राइटर का असिस्टेंट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल भी फिल्म के किसी भी बंदे को अप्रोच मत करिए क्योंकि आपको काम नहीं देगा मोस्टली राइटिंग जो है वो एक्लूसिव जॉब है आइसोलेटेड जॉब है जिसमें लोग अकेले बैठ के सोच के चीज़ें करना चाहते हैं ये कोई कचरे की तरह नहीं होता है जैसे फिल्म लाइन में जैसे टी वी लाइन में होता है बेसिकली टी वी लाइन में क्या होता है आपको डेली की डेली स्क्रीन पर चाहिए मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि शूट चल रहा होता है और राइटर उधर बैठकर लिख रहा होता है कहानी और वो दो दो डायलॉग करके भेज रहा होता है इधर शूट चल रहा होता है तो ऐसा भी होता है तो थोक बाजार का जो काम है वो टीवी लाइन में होता है फिल्म लाइन में वैसा नहीं होता है फिल्म लाइन में आप अकेले बैठ के स्क्रीन पर लिखते हो क्वेरेंसी मेंटेन करते हो और उसके बाद जाकर उसे सेल करते हो कॉपी राइट्स आपके पास होते हैं कॉन्सेप्ट के राइट्स आपके पास होते हैं स्क्रीन पे राइट्स आपके पास होते हैं और आप उसे सेल करते हो टी वी में ऐसा नहीं होता है टी वी में क्रेडिट्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं आपको खुद भी याद नहीं होगा खुद भी पता नहीं होगा लोग साथ भी कहीं बहुत ही किसने लिखा है या कहानी घर घर किसने लिखा है या कशिश किसने लिखा है या हम पाँच किसने लिखा है यू डोंट नो द नेम ऑफ द राइटर्स यू नो द नेम ऑफ द क्रिएटर यू यू डोंट इवन नो द नेम ऑफ द डायरेक्टर्स क्योंकि आजकल काफी रेटिंग लगता है कि जो नेटफ्लिक्स के शोज भी आते हैं फिल्में भी आते हैं उसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें एक्टर्स के तो नाम होते हैं डायरेक्टर राइटर सबके किसी के कुछ नाम नहीं होते क्रेडिट सही से बांटे नहीं जाते ये मुझे अच्छा लगता है बहुत बड़े मेजर प्रॉब्लम है कॉर्पोरेट अपना नाम तो बड़े बड़े शब्दों में दिखा देता है पर बाकी जो जिनने एक्चुअली कॉन्टेंट क्रिएट किया होता है उनका नाम नहीं आता है तो सबसे बड़ी जो लड़ाई है फिल्म इंडस्ट्री में वो हमेशा क्रेडिट की ही होती है जिसके चक्कर में सारे बवाल होते हैं भसड़ होती है और कोई क्रेडिट किसी को देना नहीं चाहता और क्रेडिट क्यों जरूरी होता है क्रेडिट इसलिए जरूरी होता है इसलिए नहीं आपको खुद की बड़ी खुशी मिलती है थोड़ी बहुत खुशी तो मिलती है कि आपका नाम क्रेडिट में आया है पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपका नाम मार्केट में हो जाता है जिसकी वजह से आपको और काम मिलता है ये बात पहले मैं नहीं समझता था और मुझे लगता था कि मेरे को क्रेडिट मिले ना मिले मैं काम करता रहूँगा और मैं बिना क्रेडिट के बहुत काम किए मैंने बहुत कोर्स राइटिंग करी है बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ के लिए जिससे मुझे क्रेडिट नहीं मिला पर पैसा मिला और मैं हमेशा बोलता था कि मुझे क्रेडिट मत दो मुझे पैसा दे दो तो मैं पैसा ले लेता था जिसका खामिया ऐसा मुझे बहुत न पड़ा कि आज अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने कहाँ का राइटिंग करिए तो मैं उनको बता नहीं सकता जो कि वो जो फिल्में हैं उसमें किसी और राइटर का नाम पड़ा हुआ है लिखी मैंने मतलब मैंने फाउंडेशन स्ट्रक्चर लिख के दिया था जैसे अस्सी पेज लिख दिए तो उन्होंने आगे पीछे चेंजेस करके उसको सौ पेज बना लिया या साठ पेज कर लिया या आगे पीछे अपना चेंजेस कर लिया करैरेक्टर्स में मुझे नहीं पता उसके बाद वो क्या करते हैं तो बेसिकली गोस्ट राइटिंग में आपको सिर्फ स्ट्रक्चर लिख के देना होता है जो मैं करता था मतलब मुझे नहीं पता बाकी गोस्ट राइटर कैसे वर्क करते हैं मैं वैसे वर्क करता था कि अपना एक पैसा लिया पाँच दिन मैंने स्ट्रक्चर लिख के दे दिया पचास साठ सत्तर सत्तर अस्सी नब्बे पन्ने जितना उन्होंने बोला है और उसमें वो अपने हिसाब से चेंज करते हैं कई बार मेजर चेंजेस भी होते हैं ऐसा होता है कि उनको मेरा ड्राफ्ट बिल्कुल ही पसंद नहीं है बट एटलीस्ट इफ दे हैव समथिंग टू वर्क अपॉन दे कैन नो विच डायरेक्शन टू मूव सो दैट इज़ वाई दे नीड द स्ट्रक्चर सो

जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो टी के ही होने चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको काम ज़्यादा मिलेगा और तुरंत मिलेगा और जो मोस्टली जो राइटर्स हैं वो टीवी में ही हायर होते है। हैं टीवी प्रोडक्शन हाउसेज ही उनको हायर करता है फिल्म के जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो कभी भी राइटर को हायर नहीं करते हैं राइटर अपने स्क्रीन पे लिखता है अपना टाइम लेकर उसके बाद वो अपना स्क्रीन पर उनको जाके बेच देता है तो फिल्म इंडस्ट्री वैसे वर्क करती है बहुत कम ही प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं जो राइटर को हायर करती हैं वो भी उन्हीं को हायर करते हैं जो उनके बहुत जान पहचान वाले होते हैं जिनको पैसा देना होता है उनको मतलब या तो चली गए तो महीने का पैसा ले ले अपना याशी कर और लिखता भी रहे तो हमारे जान पहचान वाले डायरेक्टर या शराज में जैसे उनके जानने वाले उनको एज अ राइटर हम हायर कर लेंगे पर नॉर्मली किसी को हायर नहीं करेंगे वो लोग वैसे ही धर्मा में वैसे ही एक्सेल में वैसे ही बाकी प्रोडक्शन हाउसेज है तो कहने मतलब यही अगर आप टीवी इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आपको राइटर असिस्टेंट का काम मिल सकता है बाकी किसी इंडस्ट्री में राइटर असिस्टेंट का काम नहीं है और ऐसी कोई चीज़ है भी नहीं और दूसरा इसके पीछे पलो भी मत ठीक है अगर आप अपना कंटेंट लिखो जाके जाकर इन सबसे लोगों से मिलो बोलो कि यू आर एज अ राइटर गिव तो मी द जॉब गिव मी द मनी आई डोंट केयर अबाउट द डिजिगनेशन बट गिव मी सम काइंड ऑफ क्रेडिट एंड सम काइंड ऑफ मनी एंड आई विल वर्क फॉर यू फोकस ऑन योर राइटिंग इंस्टेड ऑफ काइंड ऑफ डिजिनेशन यू आर गेटिंग इनिशियल इनिशियल डेज में पहले तीन साल एज अ राइटर तुमने काम कर लिया क्रेडिट और पैसे चक्कर में मत पड़ो काम करते रहो उसके बाद पैसा मांगना शुरू कर दो वैंड यू बिल्ड अ प्रोफाइल फॉर योर सेल्फ कई लोग मेरी बातों को गलत तरीके से ले लेते हैं उनको लगता है कि मैं बोलता हूँ कि मैं कॉन्ट्रेडिक्टी बातें बोलता हूँ पर मेरी जो बातें होती हैं वो कॉन्ट्रडिक्टी नहीं होती हैं कई बार मैं उनको शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता या कई बार लोग उसको सही से समझ नहीं पाते तो मैं जब ये कहता हूं कि शुरुआत में क्रेडिट पर ध्यान मत दो तो तुम्हें पता होना चाहिए क्रेडिट पर कब ध्यान देना है शुरुआत से क्रेडिट लो पैसा मांगने लगोगे तो कोई भी काम नहीं देगा <laughs> तो इसलिए शुरुआत में क्रेडिट और पैसे के पीछे मत भागो शुरुआत में सिर्फ काम के पीछे भागो ताकि तुम्हारी प्रोफाइल बिल्ड हो जाए और जैसे ही प्रोफाइल बिल्ड होती है उसके बाद आप क्रेडिट और पैसे के पीछे भागो तब आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी आई होप कि मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया हो अगर मैंने दे दिया है तो प्लीज़ मैंशन इन द कॉमेंट बॉक्स अगर नहीं दिया है तो भी मैं इन द कॉमेंट बॉक्स क्या और आप जानना चाहते हो इस बारे में डू लेट मी नो थैंक यू बाय